पद्मावती फिल्म के विरोध में 1 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। फिल्मकार संजय लीला भंसाली की पद्मावती फिल्म के विरोध के स्वर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गए हैं। राजपूत करणी सेना के नेता कल्याण सिंह कालवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फिल्म पर रोक लगाने की मांग करते हुए 1 दिसंबर को फिल्म रिलीज के दिन भारत बंद का आह्वान किया है। बुधवार को यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कालवी ने कहा कि 31 जनवरी को फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली ने लिखित आश्वासन दिया था कि फिल्म रिलीज करने से पहले राजपूत करणी सेना को विश्वास में लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने बिना चर्चा किए फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया। अभी तो यह फिल्म 19 नवंबर को सेंसर बोर्ड के पास जाएगी। उससे पहले ट्रेलर जारी करना राजपूत समाज को भड़काने जैसा काम है। फिल्म के प्रदर्शन को रोकने के लिए हम किसी तरह की हिंसा नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अहिंसा बहुत जरूरी है, पर हिंसा तो मजबूरी है। यह जौहर की ज्वाला है, इसमें बहुत कुछ जल सकता है। यह भी चेतावनी दी कि 1 दिसंबर को पूरे भारत में कहीं भी फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए हम सभी राज्यों में जाकर सभी समाज के लोगों को सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। अधिकतर समाज के नेताओं ने राजपूतों के इतिहास को गौरवशाली बताते हुए सहयोग का आश्वासन दिया है। कालवी ने कहा कि फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए प्रधानमंत्री से अपील की गई है कि राजपूतों के इतिहास से छेड़छाड़ के कारण देश में कानूनी एवं व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है, इसलिए सिनेमेटोग्राफी रूल्स के सेक्शन 6(3) के इसके प्रदर्शन पर 3 महीने के लिए रोक लगाई जाए। प्रेस वार्ता में राजपूत करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा, फिल्म में आपत्तिजनक दृश्यों के कारण राजपूत समाज आहत है, इसलिए इसका हर स्तर पर जोरदार विरोध किया जाएगा। फिल्म को किसी भी सिनेमा हॉल में नहीं चलने दिया जाएगा।